दोस्तों, से ठीक एक साल पहले मैंने इस चैनल पे एक वीडियो निकाली थी, वेडिंग इनविटेशन, हाउ टू मेक वेडिंग इनविटेशन वीडियो इन योर फोन। और वो वीडियो यार आपने इतना प्यार दिया है कि क्या ही बात हो गई। तो फाइनली आफ्टर वन ईयर ऑफ स्पैन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक अ कूल वेडिंग इन्विटेशन कार्ड। सबसे पहले अपना ओपन करेंगे काइनमास्टर। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप लोग मेरे को कमेंट करते हो कि भैया ये समझ नहीं आया, फिर आप बोलते हो कि भैया मैं रिमूव कैसे करूँ बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल। तो भाई वीडियो एंड तक देखो। आई नो वीडियो जो है 9 मिनट लंबी है, बट स्टिल यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया है पिछली बार की तरह अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में, जाओ जाके डाउनलोड मारो। और इस टेम्पलेट के अंदर हम अपने पेरेंट्स का नाम भी ऐड करने वाले हैं, राइट? तो बहुत कमेंट आए थे कि पेरेंट्स के नाम को भी ऐड करना, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। तो मैंने सोचा कि चलो पेरेंट्स का नाम भी इस बार ऐड कर दिया जाता है। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई डू नॉट ओन दिस टैम्पलेट, राइट? मैं टैम्पलेट को नहीं बनाया, ना ही मैंने इसको खरीदा है। आई जस्ट ट्राइंग टू शो कि कैसे इसको एडिट किया जाता है। तो ऑल द कॉपीराइट्स ऑफ दिस कंटेंट गोज टू इट्स ओरिजिनल ओनर। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं अपना इंपोर्ट कर लेता हूँ काइनमास्टर के अंदर ये टैम्पलेट, तो यहाँ पे एक सर्कल आ गया जहाँ पे आएगी हमारे दूल्हे राजा की फोटो, क्योंकि वहाँ ग्रूम लिखा है, राइट? ग्रूम नहीं लिखा है, ग्रूम लिखा है। देन थोड़ा आगे जाके उस पर आएगी दूल्हे रानी की फोटो क्या समथिंग। तो या स्टार्ट करते हैं करना। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर कुछ भी इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले हम मीडिया में जाके अपने राजा की फोटो, दूल्हे राजा की फोटो जो इंपोर्ट कर लेंगे, राइट? अगर आपको बेसिक्स नहीं आते काइन मास्टर की, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मैं ट्राई करूँगा एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना दूँ कि किस तरह काइन मास्टर पे आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। क्रॉपिंग में जाना है और वहाँ पे सर्कल मास्क कर देना है इसका, जिससे आपके जो सर्कल में फोटो आ जाएगी, राइट? इसको छोटा करेंगे, राइट? और इसको थोड़ा सा इसके अंदर सर्कल के अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे। सही, पक्की पकाई रोटी मिली हुई है, बस आपको उठाकर खानी है, राइट? तो आपको टैम्पलेट बना बनाया मिला हुआ है, बस आपको उसमें फ़ोटो एडिट करनी है, नाम एडिट करना है और उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है और यहाँ पे जो है दूल्हे की फ़ोटो कुछ इस तरह लग चुकी है। क्रॉप करने के बाद आप सर्कल में जाके इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से अगर लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। एंड आप यहाँ से परफेक्टली सर्कल के अंदर क्रॉप कर सकते हैं। खैर, ये बात तो रही इसकी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर की लास्ट वीडियो में आप लोग कह रहे थे कि वेल और विल में मिस्टेक है। तो गाइस, आई हैव ऑलरेडी सेड कि मैं इन टैम्पलेट को ओन नहीं करता हूँ, ना ही मैंने बनाया। आई एम जस्ट शोइंग हाउ टू एडिट दिस। तो उसकी टेंशन मत लो। और जब कार्ड जब बात शादी की होती है तो कोई इतना ध्यान देता नहीं है स्पेलिंग्स पे, कोई आपका टीचर नहीं है वहाँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाने के बाद हम अपने डीजे राजेश, अपने दूल्हे राजा की नाम यहाँ पे लिख देंगे और कोई भी आपको जो फॉन्ट है सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। याद रखिए कि फॉन्ट जो थोड़ा सॉफ्ट रहे, क्योंकि शादी जो है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर के प्रति उसका ज़्यादा होता है, राइट? तो सॉफ्ट कलर्स मतलब गोल्डन, येलो, ऐसे कलर्स यूज़ करें, ना कि काले या फिर लाल, राइट? तो लाल यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्राउन यूज़ मत कीजिएगा, थोड़ा सड़कते भड़कते। तो यहाँ पे प्ले करके देखते हैं, यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह से अब तक आ रहा है काम, ठीक है, ओके है। अब क्या करना है हमको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमको दूल्हे राजा की फ़ोटो ज़्यादा बाहर जा रही है तो उसको थोड़ा क्रॉप करना है, सिर्फ यहीं तक रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे रखने के बाद हम इसको करेंगे क्रॉप। इसके बाद जो डीजे राजेश है, जो राजेश का नाम है, उसको सही नाम कर देंगे, ठीक है? तो कर देते हैं एक बार ये भी सही, ओके, क्रॉप। तो यहाँ पे मैं कट का साइन जाके स्प्राइट ऑफ द प्लेहेड पे क्लिक करूँगा, थोड़ी ट्रिम हो जाएगा। सेम सेकंड विद फोटो, राइट ऑफ द प्लेहेड और फोटो कट हो गई। तो प्ले करके देखते हैं एंड कुछ इस तरह से आपका ये दूल्हे राजा की फ़ोटो दिखेगी, ठीक है? इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे लिखा है ब्राइड, यहाँ पे हम ब्राइड का नाम ऐड करेंगे। बट उससे पहले ये हमसे अपने दूल्हे के पेरेंट्स का नाम भी पूछ रहा है टेम्पलेट, राइट? तो हम यहाँ पे दूल्हे के साथ अगर कोई इसके माँ बाप की फ़ोटो है तो वो डाल देंगे, अदरवाइज मम्मी पापा की सिंगल फ़ोटो भी वर्क करेगी। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी फ़ोटो यूज़ करते हैं बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। मैं इस वीडियो के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है दूल्हे वो बीच में खड़े हैं और साइड में पेरेंट्स खड़े हैं। सेम सर्कल में जाके मास्क करके क्रॉप कर दो इमेज को कुछ इस तरह से, राइट? तो मैं यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से क्रॉप कर देता हूँ इसको, एंड जस्ट अ सेकेंड ये, एंड इसको यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ तो ये मेरा सर्कल में कटआउट हो गया। अब मैं इसको वही सेम छोटा करके वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ एंड यहाँ पे मिस्ड एंड मिसेस वर्मा या फिर जो भी आपकी फैमिली का सरनेम है, यू कैन राइट इट हेयर।
ना कुछ इस तरह आपका ये पीस शो करेगा। आई एम टेलिंग यू दिस इज लाइक लुकिंग प्रेटी मच ऑब्वियस नाउ कि बहुत सही लग रहा है अभी, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत पड़ी नहीं है। बट अगर अभी तक आपको कोई भी इशू आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दो। अब बात आ जाती है दूल्हे रानी की, राइट। आप सेम क्रॉप कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सटेंड ना करें गाइस। बस आपको चार फोटो डालनी है टेम्पलेट के अंदर, सिर्फ चार, और एक फोटो डाल लोगे तो आपको बाकी तीन डालना और भी ईजी रहेगा। तो ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स। यहाँ पे दूल्हे रानी की फोटो के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसको क्रॉप पे गया हूँ, इसको सेम मैंने ऑप्शन करा है मास्क सर्कल एंड देन यहाँ से जो भी आपको शेप है वो भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर सपोज ट्राइंगल और हार्ट वट एवर। यहाँ पे देखो अब हार्ट की शेप दी हुई है टेम्पलेट में, तो मैं हार्ट हार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। आप चाहे तो दूल्हे की भी फोटो जो है हार्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग द हार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है दूल्हे की, दूल्हे यार मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, ब्राइड की फोटो, राइट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा फैदर कर देते हैं। फैदर का मतलब होता है कि जो आपके कॉर्नर है ना शेप के, वो कितने सॉफ्ट रहेंगे, कितने ब्लर टाइप रहेंगे, तो आप फैदर दे सकते हैं, फैदर टच। इसके बाद मैं इसको अपना रिसाइज करके जैसा भी मुझको एडजस्ट करना मैं कर लूँगा, तो फैदर दे देता हूँ ताकि सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए थोड़े। और यहाँ पे क्योंकि हार्ड शेप थोड़ी आपको इक्वल नहीं मिलेगी, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट दिस, तो काम चला लीजिए ना। इसके बाद आप एक एनिमेशन लगा दीजिए जिससे फेड हो, तो आप देखिए कि कुछ इस तरह था अभी तक दिख रहा है, राइट। इसको मैं थोड़ा लाइट को तरफ कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ से हम अपनी जो ब्राइड है उसका नाम यहाँ पे एडिट करेंगे। तो नाम के लिए आपको जस्ट लेयर पे जाना है और वहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ओके। अभी तक टेम्पलेट सही बन रहा है, हमको बस एक चीज़ और ऐड करनी है, ब्राइड की फोटो, ब्राइड के पेरेंट्स की फोटो, एंड देन वी आर ओके। हाँ मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया ताकि जो सेम फॉन्ट है सेम कलर के टेक्स्ट मुझे वापस मिल जाए। अब यहाँ से मैं नाम एडिट कर लेता हूँ दूल्हे रानी का। नाम एडिट करने के लिए आप देख सकते हो कीबोर्ड का आइकन बना है, वहाँ पे आप जाके बेसिकली नाम एडिट जो है कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके नाम है ब्राइड का वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं यामिनी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ ब्राइड के ऊपर, ठीक है। आने वाले इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस, और अगर आपको अभी तक नहीं देखा है कि कार्ड कैसे बनाया जाता है वेडिंग का, तो भाई आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग इनविटेशन के लिए भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई 25th एनिवर्सरी के लिए या फिर रिसेप्शन के लिए, तो या अभी थोड़ा बिजी चल रहा था स्केड्यूल, बट यस इस वीक आपको मे बी वीडियोज देखने को मिल जाए, तो कीप कंसिडरिंग सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। नाउ यहाँ पे दूल्हे रानी की पापा मम्मी की भी फोटो आ जानी चाहिए गाइज। यहाँ पे देखिए मैंने ये फोटो चूज करी है जहाँ पे बीच में हमारा ऑब्जेक्ट ब्राइड खड़ी है, यार मेरे को दूल्हे रानी बोलना नहीं आ रहा बीच में हमारी ऑब्जेक्ट खड़ी है एंड साइड में उसके पेरेंट्स अगेन। तो यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह प्लेस कर देता हूँ, सन एंड डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, जो भी आपको लिखना हो लिखें, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, अब ले चलते हैं आपको आगे जहाँ पे हम लिखा रहा है कि वेडिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वेन्यू लिखना है, वेन्यू लिखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है वहाँ पे अपना वेन्यू वगैरह जो भी लिखना लिख लीजिएगा, राइट। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट, टेक्स्ट में जाते हैं, ओके। यहाँ से प्लेस हो रहा है हमारा, ओके, यहाँ पे हमारा बॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो है टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर मैंने कॉपी करके रखा वो उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, या फिर जो भी आपको लिखना आप लिख भी सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पंजाब बैंकेट नियर दिल्ली, राइट। तो मैंने लिख दिया है इसको, कोई बात नहीं, आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपने एड्रेस जो भी आपको कार्ड में लिखवाना है वो प्रॉपर एड्रेस लिख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है, राइट। कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, तो मैं फ़िलहाल मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर है पंजाब बैंकेट्स, तो मैं यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, राइट। यहाँ पे हमारा वो जो फॉन्ट है पीछे ख़त्म हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा क्रॉप हम इस तरह करेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो गाइज यहाँ पे आता है योर प्रेजेंस विल बी एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड फॉर अस, ओके। यहाँ पे डेट लिखा आ रहा है, अब डेट लिखने के लिए सेम अगेन आपको बॉक्स दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको डेट एडिट करनी है, तो ये रही डेट का बॉक्स। तो कुछ इस तरह आप फाइनली यहाँ पे अपने डेट भी एडिट कर सकते हैं। यस आई हैव ट्राइड टू शो सो सिंपल वे टू मेक दिस कार्ड, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, आपसे जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में। Keep considering subscribing to this channel and I will catch you in the next one. Bye.